बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार सा आलू कीमा, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाता है। और आलू कीमा बनाने के लिए हमने जो ये चीज़ें ली हैं वो हैं, ये हमने यहाँ पर लिया है तकरीबन हाफ के जी कीमा, और यहाँ लिए हमने 3 अदद प्याज, जिसे हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ हमने लिया है 1/2 कप ऑयल, और यहाँ हमने लिया है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 कप दही, और यहाँ हमने लिए हैं कुछ मसाले। तो मसालों में हमने यहाँ लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1/2 टीस्पून और यहाँ हमने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, और 1 टीस्पून लिया हमने कुटी हुई मिर्च। तो चले, और यहाँ हमने लिए हैं 1/2 केजी आलू, जिन्हें हमने छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसी तरीके से आप भी कट कर लें और इन्हें एक बार पानी से धो के उन्हें भिगो दें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया है एक बर्तन, तो सबसे पहले हम फ्लेम को ऑन करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, ऑयल को हम अच्छा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, आप चाहें तो यहाँ पर प्याज को ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ है। अब इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छे सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैं फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा, और कीमे के साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम दोनों को फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छे से, ताकि अच्छा सा अदरक लहसुन के साथ हमारा जो कीमा है वो भुन जाए। तो यहाँ पर हमें 1 मिनट हो चुका है अच्छा सा अदरक लहसुन और कीमे को फ्राई करते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, तो मसालों को अच्छे सा मिक्स करेंगे। हमने मसाले अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें जाएगा दही, तो दही भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप इसकी जगह टमाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस अब अच्छे से इसको करेंगे मिक्स। तो यहाँ पर अच्छे से हमने दही को मिक्स कर लिया है, दही ने काफ़ी अच्छा सा पानी रिलीज कर दिया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे। हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, क्योंकि ये बिल्कुल दही के पानी में ही हमें इसको कीमे को गलाना है। तो हम इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे लो फ्लेम पर। तो मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो देखें, यहाँ पर हमारा जो कीमा है अच्छा सा पक चुका है, और अगर थोड़ी बहुत कसर रह भी गई है तो वो आलू उसमें हो जाएंगे। तो बस यहाँ पर हम अब आलू ऐड करेंगे और इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, और आलू के गलने का ही इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 कप पानी, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन हमारे जो आलू है वो छोटे साइज़ में है, क्यूब्स कटे हुए हैं, तो वो जल्दी से गल जाएंगे। तो बस हमने इतना ही पानी डाला है इसके अंदर। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो यहाँ पर हमें 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम आलू को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो कीमा है यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमें पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी रखनी हो तो आप इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आलू बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं। तो बस यहाँ पर हमारा जो कीमा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चले अब इसमें ऐड करते हैं हम कुछ हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें, और इसमें डालते हैं थोड़ा सा क्रश कट करा हुआ हरा धनिया। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, और उसके बाद इसको 1 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं। उसके बाद हम डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। अब देख सकते हैं हमने डिश आउट कर लिया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। हमने यहाँ पर गार्निश किया है हरे धनिया के साथ, आप चाहें तो इसमें अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही टेस्टी बना है, ये बहुत ही मज़े का बना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।